हेलो फ्रेंड्स, आपका सा एकेडमी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसका एग्ज़ाम डेट जो था वो 5 अगस्त 2017 था और स्लॉट 1 था। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन था वो था, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट अ रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो हमें इसमें से वर्ड पेयर ढूंढना है। तो वर्ड पेयर में देखिए, इसका दे रखा है पावर का वाट, इसका मतलब ये यहाँ पे बात हो रही है SI यूनिट की। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है प्रेशर। तो प्रेशर और न्यूटन, जो कि गलत है, प्रेशर का SI यूनिट पास्कल होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है फोर्स का पास्कल, इसका मतलब है कि ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। थर्ड दे रखा है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का SI यूनिट होता है ओम, जो कि गलत है। वर्क का दे रखा है जूल, वर्क का जूल ही SI यूनिट होता है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ, वर्क का जूल। सेकेंड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो इसमें हमें लेटर्स और अल्टरनेटिव को ढूंढना है, उसको जोड़ना है। जैसे कि पहला दे रखा है वो है NPBG, फिर OQCH, और ऑप्शन में हमें दे रखा है AJOT। तो देखिए, सबसे पहले इसका रिलेशन ढूंढने का प्रयास करते हैं। N के बाद O आता है, P के बाद Q आता है, B के बाद C और G के बाद H। तो इसका मतलब उसके बाद वाले लेटर्स हैं, जैसे कि A का हो जाएगा हमारा B, J का हो जाएगा हमारा K, O का हो जाएगा हमारा P और T का हो जाएगा हमारा U। यानी इसका जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो होगा फर्स्ट, BKPU। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट अ रिलेटेड नंबर फॉर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो हमें रिलेटेड नंबर ढूंढना है। देखते हैं, 101 जिसका दे रखा है 10201, फिर हमें 107 का निकालना है। तो 101 और यहाँ पे 10201, इसका मतलब ये हुआ कि 101 का यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है। तो अब हम करेंगे 107 का स्क्वायर, जो कि हमारा आएगा 11449। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड, 11449। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो इसमें देखिए, पहला ऑप्शन है लॉयन, जो कि ज़मीन पर रहते हैं, लेपर्ड जो भी ज़मीन पर रहते हैं, स्नेक जो कि रेंगने वाले हैं, और टाइगर जो कि ज़मीन पर रहते हैं। तो इसका मतलब ओड हमारा स्नेक है, तो आंसर हमारा स्नेक होगा। फिफ्थ क्वेश्चन रीड करिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो हमें इसमें ऑड लेटर ढूंढना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो दे रखा है हमें NPR, दूसरा है TVW, तीसरा है FHJ और चौथा है KMO। अब इसमें हमें ऑड लेटर ढूंढना है, तो ऑड लेटर आखिर है कौन सा। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है उसमें है NPR, इसका मतलब यहाँ पे O छूटा हुआ है, फिर से Q भी छूटा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एक लेटर छोड़ के बनाया जा रहा है। जबकि दूसरा में देखिए TVW, इसमें देखिए कि आखिर है क्या। तो T के बाद UV, जो कि एक तो छोड़ रखा है, जबकि V के बाद W, यानी इसमें नहीं छोड़ रखा। बाकी में देखिए KMO में देखिए, के बाद L आता है, जो कि छूटा हुआ है, उसके बाद से M के बाद N आता है, जो कि छूटा हुआ है, और इस तरह से ये ऑप्शन भी सही है नहीं है। तो हमारा जो ऑड है वो है हमारा TVW।
क्योंकि इसमें जो वी और डब्ल्यू हैं वो सीक्वेंस में दे रखे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव। हमें इसमें ऑड नंबर ढूंढना है तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है 69, दूसरा 59, तीसरा 61, चौथा 53। तो इसमें से जो देखिए ये है प्राइम नंबर्स, 53 प्राइम नंबर है, 61 भी प्राइम नंबर है, 59 भी प्राइम नंबर है, जबकि 69 प्राइम नंबर नहीं है। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इस वजह से हमारा जो आंसर होगा वो होगा 69। सेवेंथ क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इजी है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ओकर इन द डिक्शनरी। हमें ये पता लगाना है कि डिक्शनरी में किस नंबर पे आएंगे। तो देखिए सबसे पहला दे रखा है आर ओ पी ई डी, दूसरा आर ओ एस टी ई आर, फिर रोस्टेड, रोड और रोलर। तो इसमें आर ओ तो कॉमन है, इट मीन्स हमें इसको नहीं देखना है। फिर देखिए पी एस ए ए एल, यानी हमारा दो मिल गया, ये दोनों हमारे पहले आनेंगे, यानी इसका मतलब ए ए आ रहा है। अब ए के बाद देखिए कि ए के बाद क्या है, ए के बाद तीसरे में है, इस ऑप्शन में है एस और इसमें है डी, इट मीन्स हमारा जो पहला होगा वो होगा 4, फिर होगा हमारा 3, उसके बाद हमें देखिए उसके बाद ए ख़त्म हो गया, फिर ऊपर देखिए पी और एस है, उससे पहले आता है एल, तो इससे हमारा होगा 4, 3, 5। फिर उसके बाद देखिए अब ऊपर देखिए पी के बाद ऐसा आता है, इस वजह से होगा हमारा 1 और 2। तो जो करेक्ट नंबर होंगे वो होगा 4, 3, 5, 1, 2। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो 4, 3, 5, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि ए सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कम्प्लीट द सीरीज। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है ए बी सी डी लिख लीजिए। अब देखते हैं इसमें सीक्वेंस क्या है। सबसे पहला दे रखा है बी सी एफ, बी सी और उसके बाद दो छोड़ के एफ। फिर देखिए दूसरा है सी डी जी, इट मीन्स सी और डी और दो छोड़ के जी। इसी तरह डी ई एच, डी और ई हो जाएंगे और दो छोड़ के एच। तो अब हमें पता लगाना कि आखिर है कौन सा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखिए ई और एफ जो कि ये हैं और दो छोड़ के आई, यानी जो हमारा सही आंसर वो पहला ही ऑप्शन है ई एफ आई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। हमें इसमें मिसिंग नंबर ढूंढना है। तो देखते हैं आखिर सीक्वेंस क्या है, इसकी सीरीज क्या है। पहला है 2, फिर 5, फिर 12, फिर 27। अब देखिए इसमें क्या है, 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 प्लस किया तो हमारा आ गया 5। उसी तरह 5 2 ज़ा 10, 10 में हमने 2 प्लस किया आ गया 12। उसी तरह 12 2 ज़ा 24, उसी तरह हमने इसमें 3 प्लस किया तो आया 27। यानी सीक्वेंस तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा, इस वजह से अब क्या करेंगे, जो आंसर होगा वो होगा 27 2 ज़ा 54, और इसमें हम यहाँ पे थर्ड जो रखा है तो इसमें हम 4 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 58। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 58। हाँ जी, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 10th क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के हम 10th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है P3Q मींस P इज डॉटर ऑफ Q, ओके। P3Q मींस P इज डॉटर ऑफ Q। उसी तरह P5Q means P is a father of Q and P7Q means P is a mother of Q and P9Q means P is sister of Q।
देन हाउ इज जे इज रिलेटेड टू के। अब हमें इस सीरीज में पता लगाना है कि जे जो है वो के से कैसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनके फैमिली स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो पहला जो दे रखा है वो है J3L। इसका मतलब हुआ कि J जो है वो L की डॉटर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा L9N। इसका मतलब हुआ कि L जो है वो 9 की सिस्टर है, ठीक है। दूसरा है हमारा N3O। N3O का मतलब हमें दे रखा है कि N जो है वो डॉटर है O की, और O5K। इसका दे रखा है कि O5K का मतलब हुआ जो O है वो K का फादर है, ठीक है। तो अब हम फैमिली स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसका इस तरह बनेगा कि O जो है वो फादर है के और एन के, ठीक है। इस तरह से जो एन का, अब देखिए एन और एन नाइन एल का मतलब हुआ कि एन जो है वो सिस्टर है एल की, ठीक है। तो एन और एल क्या है, सिस्टर हैं। और उसके बाद से एल थ्री जे का मतलब हुआ कि L की डॉटर है J, ठीक है। तो इस तरह से K की बहन की सिस्टर हुई J, तो इस वजह से जो इसका आंसर होगा वो होगा नीस, ठीक है। नीस का मतलब होता है भतीजी, तो आंसर होगा नीस। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए सा अकेडमी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, और फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी और अलग जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.saacademy.blogspot.com पे सर्च करके देख सकते हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।